हेलो एवरीवन ये वीडियो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का होगा ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट जब भी करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राएंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग अगर ड्रॉ करें तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल का वैल्यू कितना होता है नाइन्टी डिग्री ठीक है ये एंगल का डिग्री मतलब वैल्यू नाइन्टी डिग्री इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं बेस क्लियर इन तीनों में एक रिलेशन हो जाता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्लियर इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम है ना पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि अगर मान लो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है यहाँ थ्री यहाँ फोर ये यह वैल्यू आपको निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो आपको पता है अगर नाइन्टी डिग्री ये वैल्यू दे रखा है तो तो अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेनियस ईजिली निकाल सकते हैं है ना तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन और बेस बेस मतलब कितना फोर फोर का स्क्वायर कितना 16. इसका मतलब ये वैल्यू कितना बन गया ट्वेंटी मतलब आपका हाइपोटेनियस कितना फाइव आपको सबसे पहले समझना है कि ट्रिपलेट ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है थ्री फोर फाइव ये हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है ठीक है अब नेक्स्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट कब बन रहा है तो इसी में ये वैल्यू ऐड करते चलो मतलब क्या ये सिक्स ये एट ये टेन मतलब ये नेक्स्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट किसको बोलेंगे सिक्स एट और टेन तो आप कभी जब कभी आपको दिख जाए कि एट और टेन दे रखा है तो आप समझ जाना थर्ड वाला पार्ट क्या है सिक्स क्लियर इसमें फिर से ऐड कर दो थ्री फोर फाइव ये नेक्स्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाता है ये फिफ्टीन ये ट्वेल्व और ये नाइन होपफुली इतना आप समझ पाए फिर से ऐड करते चलो थ्री फोर फाइव वो नेक्स्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म होते जाता है ठीक है तो यहाँ से हम लोगों को सीखना क्या है ना आपको सीखना है यहां से कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है अब ये ये अगर एंगल को बोले थीटा और ये आपका 90 डिग्री है तो यहां से ये हो गया आपका परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस ये बेस यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा साइन थीटा का वैल्यू कितना तो आपको बोलना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस ठीक है ये हम लोग पढ़े थे सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर बस वही है और कुछ नहीं मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस सिमिलरली थीटा क्या हो जाता है तो थीटा इज इक्वल टू बोलते बी अपॉन में एच बेस बाई हाइपोटेनियस है ना सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर जो भी है और ये थीटा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है पी अपॉन में बी देखो यहां से ये बात समझना कि थीटा जो होता है वो बेसिकली क्या होता है साइंथेटा बाई थीटा होता है अभी पढ़े थे कि साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन में एच और थीटा क्या होता है अपॉन में एच अच्छा ये एच से एच कट गया तो बचा क्या पी अपॉन में बी मतलब टेन का वैल्यू कितना पी बाई बी तो होपफुली ये बात तीन आपको याद होना चाहिए साइन कॉस और टेन अब साइन का जब उल्टा लिखे मतलब साइन का इन्वर्स कर दे तो ये बन जाता है कॉसिक मतलब हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसिक थीटा लिख सकते हैं तो यहां से अगर आपको कल को पूछ लिया कि बताओ कौसिक थीटा क्या होगा तो आप इजिली लिख सकते हैं कौसिक थीटा इज इक्वल टू तो बोलना एच अपॉन में पी क्योंकि हमको पता है ना साइन थीटा पी बाई एच है तो कौशिक थीटा क्या होगा जस्ट उल्टा एच बाई पी अच्छा इसी तरह अगर बोला गया कि सेक थीटा क्या होगा तो सेक थीटा क्या होगा जस्ट कॉस का उल्टा सेक मतलब क्या ये अगर बी बाई एच है तो ये एच बाई बी होना चाहिए और आपसे अगर पूछा गया कि कॉड थीटा क्या है तो कॉड थीटा क्या बोलोगे 10 का उल्टा मतलब क्या B अपॉन में P चलो ये तीन भी आपको यहां से याद रखना है ठीक है बस ये अगर याद है ना तीन तो वो तीन आप इजिली निकाल पाओगे क्लियर यहां से बस इतना ही समझना था आप चलते हम लोग नेक्स्ट ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है देखो अब यहां लिखे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वैल्यू कितना हो जाता है वन दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है सिक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तो अगेन कितना वन और थर्ड जो है वो है कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तो अगेन कितना वन बस ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कल को आपको ऐसा सीधा लिखा जाएगा कि साइन स्क्वायर सिक्सटी सिक्स डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर सिक्सटी सिक्स डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू कितना तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सिक्सटी सिक्स डिग्री का वैल्यू नहीं निकालना है है ना ऐसा कोई वैल्यू है भी नहीं और ना निकाल पाओगे आप ठीक है तो साइंस को सिक्सटी सिक्स प्लस कॉस्ट को आपको बस देखना है कि एंगल दोनों सेम है देखो तो एंगल सेम है क्या दोनों एंगल सेम है तो इसका वैल्यू कितना वन बस इतना ही टिक करना है क्लियर अब चलिए नेक्स्ट यहाँ से कुछ एकदम बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ठीक है तो और इस चीज़ को ध्यान देना ही नहीं है बस ये तीन चीज़ आपको याद रखना है ठीक है इसका यूज़ करेंगे इसका यूज़ कैसे होता है क्वेश्चन में वो सब अभी देखते हैं आगे इसके बाद क्वाड्रेंट पढ़ना है क्वाड्रेंट आप पढ़े हैं कि चार क्वाड्रेंट होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं है, थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट देखो ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है 90 डिग्री तक 90 से सेकेंड 180 डिग्री तक और 180 से 270 और 270 से 360 ये हो गया क्वाड्रेंट ये चार क्वाड्रेंट है हर एक कितना 90 डिग्री अच्छा ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना इसको बोलते हैं ऑल ऑल पॉजिटिव मतलब यहाँ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस कॉट टेन कुछ भी सारा पॉजिटिव सेकेंड किसका घर बन जाता है साइन का ठीक है थर्ड किसका टेन का और फोर्थ कॉस का ऑल साइन tan cos ठीक है बस ये याद रखना है अब देखो यहां पे sin के साथ कौन आ जाता है तो cosec मतलब ये बात याद रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर sin या cosec आता है तो ये दोनों पॉजिटिव होगा बाकी सारा नेगेटिव क्या तो ये बात समझ पाए sin cosec अगर सेकंड में लाइक करता है तो ही पॉजिटिव होगा बाकी सारा नेगेटिव अब tan के साथ कौन बनता है cot मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट अगर लाई करता है तो वो दोनों पॉजिटिव बाकी सारा नेगेटिव फोर्थ में कॉस और इसके साथ क्या बन जाता है सेख ये दोनों पॉजिटिव होता है बाकी सारा क्या होता है नेगेटिव ये बात समझना अभी हम आपको देते हैं एक ये लिखे साइन टू सेवेंटी डिग्री ठीक है अब बताओ ये कहाँ पड़ेगा तो ऐसा लिख सकते क्या साइन हमेशा आपको पता है कि हर एक कॉर्डन क्या है नाइन्टी डिग्री तो उसको हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं नाइन्टी डिग्री इंटू थ्री प्लस जीरो डिग्री क्या हम लिख सकते हैं ऐसा देखो तो नाइनटी इंटू थ्री टू सेवेंटी प्लस करने का फोर्थ मतलब तो मतलब क्वाड्रेंट मतलब, मतलब में इंटर कर गए है ना और फोर्थ किसका घर कॉस का घर या सेक का घर कॉस सेक में साइन क्या होगा नेगेटिव इसका मतलब ये वैल्यू कितना आपको ये यहां पे ये ध्यान देना है कि एक होता है इवन का केस और एक होता है ऑड का केस तो इवन का मतलब होता है नो no चेंज इसका मतलब क्या होता है नो no चेंज जबकि ऑड का मतलब क्या हो जाता है चेंज ये थोड़ा सा समझ के रखना है बिकॉज यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा है ना तो साइन ये 90 का मल्टीपल देखो ये नंबर कौन सा है थ्री है थ्री कैसा नंबर है ऑड नंबर ऑड में क्या लिखा हुआ है चेंज इसका मतलब है कि ये जो साइन आपको दिख रहा है ये साइन चेंज होके बन जाएगा कॉस क्लियर साइन चेंज होके क्या बन गया कॉस और ये जीरो डिग्री आप यहां पे लगा दो अब आपको चेक करना है क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट मतलब नाइनटी इंटू देखो यहाँ से स्टार्ट करो वन टू थ्री प्लस जीरो मतलब आप फोर्थ में एंटर कर गए तो फोर्थ किसका घर है ना फोर्थ किसका घर कॉस का घर तो कॉस के घर में साइन क्या है क्वेश्चन में क्या दे रखा है साइन तो साइन यहाँ पे क्या करेगा उसका घर ही नहीं है मतलब क्या नेगेटिव तो यहाँ पे लगा देना नेगेटिव अब देखो कॉस जीरो का वैल्यू कितना वन और यहाँ पे क्या है माइनस इसका मतलब साइन टू का वैल्यू कितना माइनस ये बात समझ पाए फिर से देखो और एग्जाम्पल देखो कॉस लिखो छोटा ही लेते हैं टू ट्वेंटी फाइव डिग्री कॉस टू ट्वेंटी फाइव डिग्री इसका वैल्यू देखते हैं तो आप लिख रहे हैं यहाँ पे कॉस और ये एंगल को हमेशा नाइन्टी के मल्टीपल में ब्रेक करना क्या लिख सकते हैं नाइन्टी डिग्री इंटू टू प्लस का फोर्टी फाइव डिग्री एकदम लिख सकते हैं है, है ना अच्छा नाइन्टी इंटू टू तो ये हो गया वन एट्टी वन एट्टी प्लस फोर्टी फाइव टू ट्वेंटी फाइव तो मैंने सही लिखा है अच्छा यहाँ पे देखो 90 के साथ जो नंबर है वो नंबर कैसा नंबर है इवन नंबर है इवन में ऊपर क्या लिखा हुआ है नो चेंज नो चेंज मतलब कॉस्ट जो है ना कॉस्ट ही बन जाएगा ये 45 डिग्री को उठा के यहां पे लिख देना अब आपको चेक करना है क्वाड्रेंट मतलब क्या 19 इंटू टू नाइनटी इंटू टू यहां से एक क्वाड्रेंट दूसरा क्वाड्रेंट प्लस 45 मतलब थर्ड में एंटर करें थर्ड किसका घर टेन का घर तो टेन के घर में कॉस्ट क्या होगा माइनस तो कॉस्ट फोर्टी का वैल्यू वन अपॉन रूट टू. और यहां पे क्या लगा दिए माइनस तो होप फुली इतना बात आप समझ पाए ठीक है और भी एग्जाम्पल लेंगे और इसको देखेंगे अब हाउ टू फाइंड वैल्यूज अब आपको ना थोड़ा वैल्यूज़ पे भी ध्यान देना है मतलब आपसे अब डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या किए थे ना 45 का वैल्यू हमने लिख दिया अब कुछ को पता होगा कि 45 का वैल्यू क्या है पता ही नहीं है सर कोई बात नहीं आप एक बार फिर से देखो यहाँ पे लिखे जीरो डिग्री यहाँ पे लिखे थर्टी डिग्री यहाँ लिखे फोर्टी फाइव डिग्री यहाँ पे लिखे सिक्सटी डिग्री और यहाँ लिखे नाइन्टी डिग्री क्लियर यहाँ पे लिख देना जीरो यहाँ पे लिखना वन ये टू ये थ्री ये फोर मैंने जैसे लिखा बस वैसे देखते जाओ सबको फोर से डिवाइड कर देना सबको फोर से डिवाइड करना यहाँ हम लोग थोड़ा वैल्यूज देख रहे हैं हा? और सब पे स्क्वायर रूट लगा दो सभी पे रूट। सभी पे स्क्वायर रूट अब देखो यहाँ जो निकल के आएगा ना वैल्यू ये होगा साइन का वैल्यू मतलब साइन जीरो डिग्री तो ये कितना जीरो जीरो बाई फोर कितना जीरो वन बाई फोर ये कितना निकल आया हाफ इसका मतलब साइन थर्टी का वैल्यू कितना हाफ ये कितना निकल आया वन अपॉन रूट टू तो साइन फोर्टी फाइव का वैल्यू कितना वन अपॉन रूट टू साइन सिक्सटी ये हो गया रूट थ्री अपॉन में टू और ये कितना वन तो होपफुली आपको वैल्यूज निकालना समझ में आ गया कि साइन नाइनटी कितना वन साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू अब लगाते हैं कॉस कॉस के केस में कुछ नहीं उल्टा लिखना स्टार्ट करना मतलब ये वन को फर्स्ट ये रूट थ्री बाई टू को सेकेंड इसके बाद वन अपॉन रूट टू इसके बाद वन बाई टू इसके बाद ज़ीरो थर्ड जो होगा हमारा वो होगा टेन टेन अभी पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले टेन थीटा जो है ना वो बेसिकली क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस्ट थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस् थीटा वैल्यूज पुट कर देते हैं साइन बाई कॉस मतलब जीरो बाई वन कितना जीरो वन बाई टू ये हो गया वन बाई रूट थ्री ये हो गया आपका वन ये हो गया रूट थ्री और समथिंग बाई ऑलवेज इनफिनिटी तो ये निकल आया टेन का वैल्यू अब यहां से ना कोई भी वैल्यूज आप निकाल सकते हो बस इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए ठीक है नहीं भी पता है तो पता कर लेंगे है ना आपको समझ में आ गया मैंने क्या लिखा था जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइनटी यहाँ लिखा जीरो वन टू थ्री फोर सभी को फोर से डिवाइड किया और सभी पे स्क्वायर रूट लगा दिया जो वैल्यूज निकल के आया वो क्या है साइन का वैल्यूज अब उल्टा लिखना स्टार्ट करें तो कॉस का और साइन बाई कॉस टेन का बाकी आप खुद से निकाल सकते हो कल को अगर पूछ लिया कि सेक फोर्टी फाइव डिग्री कितना होता है तो आपको जाना है कॉस का फोर्टी फाइव कितना है वन बाई रूट टू तो इसका मतलब सेक फोर्टी फाइव कितना होगा सिर्फ रूट टू होगा क्योंकि हम जानते हैं वन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा तो इतना बात आप समझ पाए ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना आप ये लिखते हैं साइन नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा ये क्या बन जाता है बताओ तो कॉस थीटा अच्छा इसी तरह ले कि कॉस नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा ये क्या बन जाता है साइन थीटा इसके बाद देखते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या बन जाता है कॉट थीटा अच्छा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या बन जाता है टेन थीटा अच्छा यहां देखें कि अगर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये बन जाता है कौसिक थीटा और इसके बाद लिखे कौसिक नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा तो ये बन जाता है सेक थीटा बस ये आपको वैल्यूज पता होना चाहिए है ना क्योंकि ना आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा लिखा जाएगा कि सेक ठीक है टू सेवेंटी डिग्री तो आपको परेशान नहीं होना है ठीक है इसको ऐसा लिख देते हैं सेक नाइन्टी डिग्री इंटू में थ्री प्लस जीरो डिग्री क्या लिख सकते हैं ऐसा अच्छा अभी बताओ कि ये नाइन्टी क्या है बताओ तो नाइनटी टू थ्री थ्री कैसा नंबर है हम लोग अभी पढ़े थे ना ऑड का केस में क्या था चेंज इवन के केस में क्या है बताओ तो नो चेंज पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले तो ये नाइन्टी का मल्टीपल जो है नंबर है वो नंबर क्या है ऑड नंबर है ऑड में क्या होता है चेंज मतलब सेक किस में कन्वर्ट होता है सेक ऑलवेज कन्वर्ट होता है कॉसिक में तो यहाँ लिख देना कॉसिक और ये जीरो डिग्री यहाँ सॉरी जीरो डिग्री लिख देना जीरो अब बस चेक करना है ये प्लस होगा या माइनस वो भी चेक कर लेते हैं है ना नाइनटीन टू थ्री मतलब यहाँ जीरो से स्टार्ट करना वन यहाँ पे स्टार्ट करना वन टू थ्री प्लस जीरो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट अच्छा फोर्थ किसका घर होता है कॉस का घर है है ना तो कॉस के साथ कौन था ये था आपका सेक था तो सेक का घर मतलब फोर्थ सेक का ही घर होता है मतलब ये एन क्या होगा पॉजिटिव होगा अब कौशिक ज़ीरो देखो साइंस ज़ीरो क्या होता है साइंस जीरो ज़ीरो ही होता है तो कौशिक जीरो भी क्या होगा जीरो ही होगा अब इसमें प्लस लगाओ या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है ना आंसर क्या है जीरो तो बड़ा सिंपल सब बात है चलिए देखते हैं नेक्स्ट अभी और सीखेंगे हम लोग है ना कुछ कुछ वैल्यूज़ ले, ले के सीखते हैं जैसे अब देखो आप लिख रहे हैं साइन आप खुद से ट्राई करना रहे हैं यहाँ पर ठीक है आप पॉज कर दो वीडियो साइन 135 डिग्री ये वैल्यू ये बड़ा मतलब ये पूछा जा सकता है आपसे ठीक है तो इसके लिए प्रिपेयर रहना आप तो इसको कुछ नहीं करना है आपको लिखना है साइन 90 डिग्री इंटू में वन प्लस फोर्टी फाइव डिग्री क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लिख सकते हैं अब देखो क्या लिखे थे वन वन कैसा नंबर ऑड ऑड में क्या होता है चेंज मतलब साइन चेंज होकर क्या बन जाता है आप देख लो साइन किस में चेंज होता है साइन हमेशा चेंज होता है किस में कॉस में कॉस हमेशा किस में चेंज होता है साइन में टेन कॉट में cot 10 में और sec cosec में cosec sec में चलो sin किस में चेंज हो जाता है ये 1 है इसलिए चेंज हो रहा है 1 क्या है ऑड नंबर तो ऑड के किस में चेंज होता है चेंज होकर के क्या बनेगा ये sin चेंज होकर के बन जाता है cos ये 45 सीधा उठा के यहाँ लिख देना अब बस चेक करना है ये प्लस या माइनस इसके लिए हम लोग क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं 19 टू 1 मतलब क्या 19 टू 1 ये प्लस फोर्टी फाइव मतलब सेकंड सेकंड किसका घर होता है ऑल साइन साइन का घर होता है तो साइन के घर में साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा इसका मतलब 45, हो गया आंसर इतना इजी है अब आप बताओ कि टेन टू ट्वेंटी फाइव का वैल्यू कितना ये आप खुद से बनाओ लेकिन अभी हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं ठीक है आप घर पे बनाओ ये हो गया नाइनटी इंटू टू प्लस फोर्टी फाइव डिग्री ऐसा ही लिखते हैं अच्छा ये टू कैसा इवन नंबर इवन में कोई चेंज नहीं है मतलब टेन और यहाँ फोर्टी फाइव सीधा लिख देना है अब ये प्लस या माइनस वो चेक कर लेते हैं नाइनटी इन टू टू वन टू प्लस फोर्टी फाइव थर्ड को थर्ड किसका घर ऑल साइन टेन कॉस टेन में टेन मतलब ये पॉजिटिव टेन के घर में टेन लाइक like कर रहे हैं ये कितना हो गया आंसर वन इतना ईजी है अब आप होमवर्क लिख लो कुछ आप खुद से बनाना लिखो आप साइन 180 डिग्री कॉस 270 डिग्री कॉस 135 डिग्री साइन 720 डिग्री कॉस टू आप इसको कर दो 720 ही कर दो या 540 कर दो बेस्ट 540 डिग्री ये पाँच ना आप खुद से बना के कमेंट बॉक्स में आंसर्स पिन करना ठीक है फिर हम लोग देखते हैं इसको जरूर हम लोग शेयर करेंगे है ना नेक्स्ट में चलिए ठीक है अब हम लोग ना यहाँ कुछ फार्मूला सीखेंगे ठीक है ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बेसिक क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूलास आना चाहिए ठीक है वो फार्मूला सारा हम लोग यहाँ देख लेते हैं जो भी यूजफुल है अब आपको देखो दो ही एग्जाम में परेशानी होगा एक होगा सी पी ओ एस एस सी सी पी ओ और एक होगा सी डी एस ये दोनों एग्जाम में ना थोड़ा हाई लेवल ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है ठीक है रेंज से क्वेश्चन हो जाता है वो सब आपको नॉर्मली कोई भी एग्जाम में नहीं इवन सी में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बट इन दोनों इसमें थोड़ा सा मैथ्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पूछ लेते हैं ठीक है ठीके? तो अभी आपको कुछ करना नहीं है जितना जितना फॉर्मूलाज हम यहाँ पढ़ेंगे उतना इनफ है आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए ठीक है आपका स्टेट गवर्नमेंट का तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसके लिए डरना भी मत ठीक है लेकिन जो जो यूजफुल फॉर्मूलाज है वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए जैसे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हो गया मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हो गया हम लोग बस देख लेते हैं ठीक है देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है कंपाउंड एंगल तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइन ए प्लस बी अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है तो बोलना साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी बीच में प्लस साइन ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ ए बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दूसरा है साइन ऑफ ए माइनस बी जो प्लस में था अब माइनस में माइनस में कुछ नहीं सेम होता है बस बीच में माइनस मतलब क्या लिखेंगे साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ ए बस इसके बाद लिखना कॉस ए प्लस बी अब ये क्या बन गया तो बोलेंगे कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी और प्लस है तो माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी इसके बाद आप लिखो कॉस ए माइनस बी लिखना कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस है तो प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी मतलब यहाँ ठीक अपोजिट ये प्लस हुआ तो ये माइनस ये माइनस हुआ तो प्लस लेकिन कॉस में क्या होता है कॉस इंटू कॉस भी पहले और साइन साइने साइन भी बाद में ठीक है ये ध्यान रखना और कुछ नहीं इसके बाद आपको पढ़ना है टेन ए प्लस बी तो ये बन जाता है टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी होल डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ऑफ ए इंटू टेन ऑफ बी और यहां पे लिखते हैं टेन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ऑफ ए माइनस टेन ऑफ बी होल डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ऑफ ए इंटू टेन ऑफ बी बस ये कुछ फॉर्मूलाज है जो कि आपको कंपाउंड एंगल से पता होना चाहिए कल को देखो कॉट पूछ सकता है कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कुछ मत करना इसको बस ऐसा लिख देना वन बाई टेन ए प्लस बी लिख सकते हैं और जो फॉर्मूला पता है अब इसको ब्रेक कर देना फर्दर आप ऐसा लिखोगे टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी तो कॉट हो ना तो उसको टेन में कन्वर्ट कर लेना कोई इश्यूज़ नहीं है ठीक है इजिली आप इतने फॉर्मूला से काम चला सकते हो चलिए नेक्स्ट मल्टीपल एंगल मल्टीपल एंगल में आपको सीखना है साइन टू थीटा तो बोलना है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसके बाद बोलना कॉस टू थीटा ये बोलना कॉस स्क्वाय थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब देखो कॉस्क्वाय थीटा ना हम लोग आइडेंटिटी में पढ़े थे कि साइन स्क्वाय थीटा प्लस कॉसक्वाय थीटा ये बन कितना जाता है वन तो हम यहां से लिख सकते कि साइन स्क्वाय थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉ स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ये वैल्यू पुट कर देना मतलब यहाँ लिखना कॉसक्वायर थीटा और यहाँ लिखना वन माइनस कॉस्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं तो नेक्स्ट लाइन में हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा कॉस टू थीटा इज इक्वल टू लिखना टू कॉस्क्वायर थीटा माइनस में वन और ये जो बॉक्स में बंद है ना ये अच्छे से याद रखना ठीक है सिमिलरली एक केस में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू अब ये जो कॉस है ना इसको साइन के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब देखो इसको ऐसा लिख सकते कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे लिखे कॉस टू थीटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये दो बॉक्स वाला फॉर्मूला अच्छे से देख लेना बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको ठीक है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा देखो दो चीजें एक तो होता है हीट एंड ट्रायल के ऑप्शन पुट करना चालू कर देना दूसरा है वैल्यू वैल्यू आपको करना होगा ठीक है यह सीखना पड़ेगा कि टेन थीटा अगर दिख गया ना या थीटा दिख गया तो थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज फोर्टी फाइव डिग्री पुट कर देना जनरली आंसर निकल जाता है साइन दिख गया तो साइन या कॉस है ना साइन थीटा या कॉस थीटा इसको हमेशा जनरली या तो जीरो डिग्री पुट करना या तो नाइन्टी डिग्री काम बन जाएगा ठीक है ये वैल्यू पुटिंग आपको सीखना होगा आप जित जैसे क्वेश्चन करते जाओगे वैसे आपको थोड़ा आइडिया लगता जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग करके हम निकाल सकते हैं ठीक है और हम लोग खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे ठीक है कुछ जब क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ हम कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं ठीक है ताकि आप थोड़ा सा क्लैरिटी मतलब जो पढ़े उसको समझ पाओ ठीक है जैसे लिखा हुआ है साइन थ्री बाई फोर अच्छा आप सबसे पहले ना राइट एंगल ट्रा एंगल ड्रॉ कर रहे ना और ये बात समझना कि एंगल ए इसको डिनोट कर रहे हैं यह आपका नाइन्टी डिग्री है अच्छा साइन इज इक्वल टू पढ़े थे ना पी बाई एच ये पढ़े थे पी अपॉन में एच पर पेंडिकुलर कितना दे रखा है और एच मतलब हाइपोटेनियस कितना दे रखा है तो क्या बेस निकाल सकते हैं इजनी निकाल सकते हैं ये बेस आपको निकालना है तो बी इज इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं फर्दर एच मतलब फोर फोर का सिक्सटीन और थ्री का नाइन मतलब बी इज इक्वल टू कितना आ गया रूट अंडर सेवन तो ये जो बी है ना ये आ गया रूट अंडर सेवन आप देखो जो भी पूछा है वो निकल आएगा कैलकुलेट कॉस ए सेम एंगल देखो कॉस ए तो कॉस करली ब्राउन हेयर पड़े थे बी बाई एच अच्छा बी कितना निकल आया रूट अंडर सेवन और एच कितना है फोर है यह आ गया आपका कॉसिटा का वैल्यू ये हो गया पहला आंसर और दूसरा पूछ रखा है कि A is कितना तो theta is P by B पड़े थे P is perpendicular मतलब थ्री और बेस मतलब रूट अंडर सेवन ये हो गया आपका टेनए का वैल्यू मतलब आंसर क्या है थ्री बाई रूट सेवन होपफुली ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर टू हम थोड़ा स्पीड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा करना है है ना और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा तो वो बस आप नोट डाउन कर लेना और जब भी डिस्कशन वाली क्लास होगी तो आप हमसे बस पूछ लेना कि सर ये वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो ठीक है और इंडिविजुअली आप मैसेज मेरे को डाल देना कि अगर ये ये प्रॉब्लम है तो फिर हम देखेंगे कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक है साइन ए इज इक्वल टू क्या है पी अपॉन में एच देखो पी वाई एच पता है तो आप फिर से राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो अच्छा पी परपेंडिकुलर पेंडिकुलर फोर है और एच हाइपोटेनियस फाइव है तो ये आंख बंद करके तीन लिख दो ना यही तो पढ़े थे अब आपको निकालना है क्या है देन वैल्यू ऑफ फोर प्लस टेन है टू प्लस कॉस है यहीं पुट कर देते हैं फोर प्लस अच्छा टेन थीटा क्या पढ़े थे पी बाई बी पड़े थे क्या रहने दो इसके बाद टू प्लस कॉस कॉस बी बाई एच पड़े थे वैल्यूज पुट कर देते तो ये हो गया फोर प्लस पी पर बाई बेस और ये हो गया टू प्लस बेस बेस मतलब थ्री और हाइपोटेनियस फाइव अब ये देखो थ्री हो गया फोर थ्री प्लस फोर। और यू हो गया फाइव फाइव टू जैर टेन प्लस थ्री अब ये हो गया सिक्सटीन बाई थ्री इंटू में थर्टीन बाई फाइव कुछ कटता है तो काट दो लेकिन कट तो नहीं रहा है ना तो कुछ नहीं करना है नीचे तो फिफ्टीन हो गया और सिक्सटीन थ्री थर्टीन इंटू सिक्सटी सिक्स सेवेंटी एट हो जाता है कैरी विल बी सेवन थर्टीन वन सा थर्टीन और सेवन टू तो ट्वेंटी बन गया तो आंसर क्या है टू जीरो एट अपॉन में फिफ्टीन बड़ा ही ईजी कुछ भी नहीं करना था है ना साइन थीटा दे रखा था और आपसे से टेन और कॉस का निकालना था वैल्यू पुट कर दिए एक्सप्रेशन में आ गया चलिए नेक्स्ट अब ये कुछ नहीं बस वैल्यू पुटिंग मतलब क्या 45 10 45 पढ़ रखे हैं cos 30 पढ़ रखे हैं sin 60 पढ़ रखे हैं जो आएगा वही होगा लिख देते हैं 2 sin 10 45 मतलब 10 45 1 होता है और इसका स्क्वायर प्लस cos 30 ये होता है √3/2 √3/2 पूरे का होल स्क्वायर sin 60 ये अगेन √3/2 हो जाता है देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव ऐसे ही कट गया और ये हो गया 2 इंटु? वन मतलब आंसर क्या है टू बड़ा ही इजी अब हम यहाँ ना दो चीज समझेंगे एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो इसको बोलते हैं ये दोनों एंगल क्या है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और अगर दोनों का सम 180 के इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल ठीक है यहाँ पे अगर देखें तो कुछ ऐसा हो लिख सकते हैं इसको देखो तो लिखा हुआ है सेक अच्छा ये सिक्सटी फाइव है हम लोग ऐसा लिख सकते हैं नाइन्टी डिग्री माइनस ट्वेंटी फाइव लिख सकते हैं क्योंकि नाइन्टी से ट्वेंटी फाइव जब भी सब ट्रैक्ट करेंगे सिक्सटी फाइव ही मिलता है होल डिवाइडेड बाई ये हो गया कौशिक ट्वेंटी फाइव डिग्री ये ध्यान देना कि सेक नाइन्टी माइनस थीटा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा देखो तो थोड़ा क्या लिखा हुआ है ये सेक नाइन्टी माइनस थीटा ये क्या हो जाता है कौशिक थीटा चलो वापस चलते हैं थीटा ये क्या हो जाता है कॉसेक थीटा मतलब कॉसेक थीटा मतलब ट्वेंटी फाइव डिग्री और नीचे क्या दे रखा था कॉसेक ट्वेंटी फाइव डिग्री अब देखो ऊपर नीचे सेम मतलब कट गया तो आंसर कितना वन हो गया बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट ये दे रखा है कि कौशिक थीटा इंटू कॉस सॉरी थीटा इंटू कॉसिक थीटा सॉरी कॉसिक ट्वेंटी थ्री डिग्री इज इक्वल टू वन ये दिया हुआ है आपको वैल्यू क्या निकालना है थीटा का तो आप ऐसा लिख सकते क्या कॉसिक ट्वेंटी थ्री डिग्री इज इक्वल टू वन अपॉन थीटा कुछ नहीं कॉस थीटा को वन के नीचे ले आए अब नेक्स्ट लाइन में कॉसिक ट्वेंटी थ्री डिग्री इज इक्वल टू से लिख सकते हैं वन बाई कॉस्ट मतलब सेक अच्छा नेक्स्ट लाइन में कॉसिक ट्वेंटी थ्री डिग्री इज इक्वल टू क्या ऐसा लिखा जा सकता है कौशिक नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा देखो तो लिख सकते क्या अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कौसिक नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल टू से थीटा तो कौशिक से कौिक कैंसिल इसका मतलब क्या है ये थीटा आउट के इधर आ गया और ये ट्वेंटी थ्री इधर आ गया मतलब नाइन्टी डिग्री माइनस ट्वेंटी थ्री डिग्री अब देखो तो ये कितना हो गया ये हो गया सेवन और ये एट मतलब सिक्सटी सेवन तो थीटा का वैल्यू कितना निकल आया सेवन डिग्री अब देखो कहीं सिक्सटी सेवन दिख रहा है तो ऐसे टिक कर देना है ठीक है नेक्स्ट ये भी बड़ा सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन मतलब ये सिक्सटी थ्री और ट्वेंटी सेवन दोनों मिलकर कितना बनता है नाइन्टी तो दोनों क्या एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है आप इसको कुछ नहीं करना है साइन इसको सिक्सटी थ्री वैसे ही लिख दो प्लस यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करेंगे है ना ये लिख सकते क्या नाइन्टी डिग्री माइनस सिक्सटी थ्री डिग्री देखो तो ट्वेंटी सेवन ही तो लिखना है ट्वेंटी सेवन जगह ऐसा लिखा जा सकता है नाइन्टी माइनस सिक्सटी थ्री अच्छा होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है कॉस तो इसको ऐसा लिख देते हैं कॉस स्क्वायर नाइन्टी डिग्री माइनस सेवेंटी थ्री डिग्री सेवनटीन में लिखना है ना तो नाइन्टी माइनस सेवेंटी थ्री सेवनटीन अच्छा ये जैसा है वैसा लिख दो कॉस स्क्वायर सेवेंटी थ्री डिग्री अब देखो ऊपर लिखा है साइन स्क्वायर सिक्सटी थ्री डिग्री साइन स्क्वायर सिक्सटी थ्री डिग्री प्लस अच्छा साइन नाइनटी माइनस थीटा पढ़े थे ना अभी कॉस थीटा तो ये क्या लिखा जा सकता है कॉस स्क्टी थ्री डिग्री सही है कॉस नाइन्टी माइनस थीटा ये भी क्या होगा साइन स्क्वायर सेवनटी थ्री डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर सेवनटी थ्री डिग्री अब देखो अभी थोड़े देर पहले आपको बताया था कि दोनों एंगल अगर सेम है तो आइडेंटिटी का ही तो प्रॉब्लम है तो ये वन हो गया नीचे वाला भी कितना वन हो गया तो वन बाई वन आंसर क्या हो गया वन बड़ा सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम अगर अगर दिखता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे देख के ही बता देना क्या होगा आंसर है ना यू गेट गया टेन फोर्टी फिफ्टीन का वैल्यू देखो टेन फिफ्टीन डिग्री का वैल्यू हम लोग टेन फिफ्टीन को ना थोड़ा ऐसा लिखते हैं टेन फोर्टी फाइव डिग्री माइनस थर्टी डिग्री क्या लिखा जा सकता है क्योंकि हमको ये दोनों वैल्यू पता है तो फिफ्टीन भी इजिली निकल जाएगा इसको लिखते हैं टेन पढ़े थे ना अभी कंपाउंड एंगल तो टेन ए माइनस टेन बी होल डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी। अब देखो टेन फोर्टी हो गया वन बाई रूट थ्री हो गया टेन थर्टी होल डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन फोर्टी फाइव वन और टेन थर्टी वन अपॉन रूट थ्री तो तो ये देखो तो कितना आ गया root 3 minus 1, root 3 plus 1, है ना नीचे का से डिनोमी कट गया तो हो गया आंसर इतना और क्या कुछ भी नहीं करना था तो होपफुली समझ में आ गया ठीक है जहां भी थोड़ा सा डाउट हो आप बता देना ठीक है क्योंकि इससे बेसिक और कुछ नहीं जा सकते ठीक है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था अच्छा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा देखिए थे एग्जाम में इतना समय लेना नहीं है थीटा इज इक्वल टू तो या तो जीरो डिग्री या तो नाइन्टी डिग्री पुट कर दो तो आंसर निकल आएगा अगर हम बोले साइन ज़ीरो तो ज़ीरो बट कॉस ज़ीरो वन तो ज़ीरो प्लस वन कितना वन वही तो दिखा राइट हैंड साइड में अगर हम नाइन्टी पुट करें तो साइन नाइन्टी कितना वन लेकिन कॉस नाइन्टी कितना ज़ीरो अभी भी क्या है फॉलो कर रहे हैं है ना मतलब मेरा ये क्वेश्चन सेटिसफाई है किस पे जीरो या नाइन्टी पे निकालना है क्या है साइन नाइन्टी देखो अगर जीरो आप लिए तो साइन जीरो जीरो हो जाता है जबकि कॉस्ट ज़ीरो कितना वन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज जीरो और अगर नाइन्टी लेना है तो साइन नाइन्टी कितना वन जबकि कॉस्ट नाइन्टी कितना जीरो तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना ज़ीरो तो आंसर क्या है ज़ीरो ठीक है तो ये हो गया आपका वैल्यू पुटिंग ऐसे वैल्यू पुट करके आप आंसर इजीली निकाल सकते हो बट आपको अगर करना है तो आइडेंटिटी लगा दो लिखा हुआ है साइन थीटा या ऐसा लिख दो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है थीटा इज इक्वल टू कितना वन ये हम जानते हैं ना वी नो दैट तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला ब्रेक कर देते ए प्लस बी मतलब यहाँ ए जो है ना साइन है तो आप ऐसा लिख सकते क्या साइन थीटा प्लस थीटा पूरे का होल स्क्वायर यही तो होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब टू साइन थीटा इंटू कॉस हिटा इज इक्वल टू कितना वन अब ये वैल्यू देखो तो कितना दे रखा है वन दे रखा है क्या यही तो दिया है ना तो वन का स्क्वायर वन माइनस टू साइन थीटा इंटू थीटा इज इक्वल टू कितना वन अब देखो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या वन माइनस ठीक है वन इज़ इक्वल टू ये वन को इधर ले के जाने का जरूरत नहीं है ये उठ करके उधर गया तो माइनस ही होगा ना कट जाएगा मतलब आप सीधा लिखो कि माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस्ट हीटा इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा मतलब क्या ज़ीरो तो नेक्स्ट लाइन में लिख ही सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया ज़ीरो हाँ या ना ये नेगेटिव टू सब जीरो बाई समथिंग होगा तो ज़ीरो बाई समथिंग ऑलवेज जीरो तो आंसर क्या है ज़ीरो बट इतना आप कहानी करना नहीं है ठीक है पे वैल्यू पुटिंग से काम हो जाएगा। यहां यूज थे, क्लास में थे, तो डिविडेंडो बोलता है कि में एक बार को कर दो। वापस से उसी न्यूमिनेटर में एक बार को कर दो ये हो गया आपका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अब इस चीज को देखो कैसे लगाते हैं यहां पे या, लिखे ऊपर में क्या है सिक थीटा प्लस थीटा आपको थोड़ा सा भी डाउट होना तो इसे ब्रैकेट में लिख देना ये हो गया आपका नुमेरेटर। नुमेरेटर में एक करना है क्या डिनोमिनेटर को तो क्या है सिक थीटा वापस से न्यूमरेटर में न्यूमरेटर मतलब और क्या करना है माइनस करना है किसको डिनोमिनेटर वाले को sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में फाइव था इसमें ऐड करना है डिनोमिनेटर को वापस से फाइव में से डिनोमिनेटर को माइनस करना है यही तो करना है अब देखो ब्रैकेट जब खोले ना तो कुछ ऐसा हो जाता है ये हो गया सेठा प्लस टेन थीटा प्लस थीटा माइनस टेन थीटा इतना करना नहीं है बट जस्ट सीख रहे इसलिए लिख रहे अदरवाइज तो आपको स्टेप जंपिंग सीखना ही है ये ब्रैकेट जब खुलेगा ना तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे हो गया एट अपॉन में टू होगा अब देखो ये नेगेटिव ये नेगेटिव प्लस कट गया ये नेगेटिव ये प्लस पॉजिटिव कट गया टू सिक्स थीटा बाय टू टेन थीटा इज इक्वल टू फोर कर सकते हैं ये कट गया ना टू से ये कट गया फोर टाइम्स अच्छा ये टू से टू भी तो कट गया अब देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं sec थीटा मतलब वन बाई कॉस्ट थीटा लिख सकते क्या इन टू अच्छा ये साइन बाई कॉस्ट लिख सकते ना टेन को तो नीचे तो साइन हो गया और ऊपर हो गया कॉस इज इक्वल टू कितना फोर cos से cos कट गया तो वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू फोर तो आप ऐसा करो ना वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू फोर जस्ट कुछ नहीं करना है आप नेक्स्ट टाइम लिख दो साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर हो गया आंसर यही तो पूछा है ना कि साइन थीटा का वैल्यू कितना तो आंसर क्या है बड़ा ही इजी क्वेश्चन टफ तो है ही नहीं है क्या टफ नहीं है अगर आपका मन करे ना तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देना ठीक है ये भी एक प्रोसेस है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो देखना वो साइन के फॉर्म में ऑटोमेटिक आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट साइन थीटा प्लस क्रॉसिक थिएटर इज इक्वल टू टू एकदम वैल्यू पुटिंग का बेस्ट क्वेश्चन मतलब थीटा इज इक्वल टू तो नाइनटी पुट कर दो कुछ नहीं कर रहे थीटा नाइन्टी पुट कर रहे हैं इससे क्या होगा ना मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा मतलब क्या साइन नाइन्टी वन कौसिक नाइन्टी वन तो वन प्लस वन कितना टू राइट हैंड साइड में टू ही तो दिख रहा है मतलब थीटा पे थीटा इज ईक्ल टू नाइन्टी पे सेटिस्फाई कर रहा है तो अभी ये यह, यहाँ पे थीटा हम लोग नाइन्टी ले लेंगे मतलब क्या लिखेंगे साइन टू तो द पावर सेवन कुछ भी रहे यहाँ पे नाइन्टी वही वैल्यू रख देते हैं कौसिक सेवन और ये नाइन्टी तो आपको पता है कि साइन नाइन्टी कितना होता है वन और वन के पावर में कितना है सेवन कौशक नाइन्टी कितना है ये भी वन वन के पावर में कितना है सेवन तो वन के पावर में कुछ भी हो वन ही होता है वन के पावर में कुछ भी वन ही होता है दोनों मिलकर कितना टू तो आंसर क्या है टू तो नेक्स्ट टाइम और कुछ करना नहीं है देख के टिक कर देना देखो अब टेन दे रखा है टेन थीटा इज इक्वल टू तो थ्री अपॉन में फोर अच्छा हम लोग पढ़े थे पी अपॉन में बी होता है टेन तो एच निकाल सकते क्या एकदम निकाल सकते एच जी गोल्ड कितना होगा फाइव तीन चार दिख गया एच पाँच होना ही है अच्छा थीटा ये ध्यान रखना ठीक है थीटा क्या बोल रखा है एक्यूट एक्यूट का मतलब क्या होता है लेस देन नाइन्टी है ना मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वार में आपका थीटा लाइक करता है ठीक है मतलब ऑल पॉजिटिव तो जिसका भी वैल्यू निकालना है वो सारा पॉजिटिव होगा क्यों थीटा इज एक्यूट मतलब नाइन्टी डिग्री लेस देन नाइन्टी डिग्री है तो थीटा ये निकाला है वो तो कौशिक थीटा तो कौशिक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अच्छा साइन थीटा पी बाई एच तो ये एच बाई पी नहीं होगा क्या तो एच का वैल्यू अभी निकाले फाइव और पी का वैल्यू कितना पी इज इक्वल टू कितना दे रखा है थ्री तो कौशिक थीटा का वैल्यू कितना फाइव बाई थ्री कहीं दिख रहा है तो टिक कर दो इतना इजी क्वेश्चन था चलिए सिक्स थीटा प्लस टेंथ थीटा इज इक्वल टू टू ये भी देखो हम लोग जानते हैं ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन है ठीक है एक तो है कि वैल्यू पुटिंग करके आप कर सकते हो तो इतना सोचना पड़ेगा ना कि सेक का कौन सा वैल्यू सा थर्टी रखे सिक्सटी रखे फोर्टी फाइव रखे है ना तो बेस्ट क्या होगा कि आप इसमें चले जाना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है वन ये हमको पता है अच्छा इसको हम लोग अगर ब्रेक करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कुछ ऐसा लिख सकते क्या सेक् थीटा प्लस टेन थीटा इन टू में से थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यही होता है अच्छा ये वैल्यू दे रखा है सिक्स थीटा प्लस टेन थीट कितना दे रखा है देखो तो टू तो नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं सिक्स थीटा माइनस टेन थीटा ये जो टू है ना ये अभी नेक्स्ट लाइन में क्या होगा वन बाई टू हो जाएगा होगा ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू इसको बना देते हैं ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू देखो तो क्या दे रखा है सिक्स थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टू ये आपका टू सॉल्व कर दो दोनों को जब दोनों को सॉल्व करें तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट गया तो लिखे टू सेक थीटा इज इक्वल टू टू प्लस वन बाई टू मतलब कितना फाइव बाई टू पूछा क्या बताओ सेक थीटा का वैल्यू तो सेक थीटा इज इक्वल टू ये जो फाइव बाई टू था ना बस फाइव बाई फोर हो जाएगा क्यों क्योंकि ये टू इधर आ गया यहाँ से ये टू जब इधर आया तो टू two, टू कितना फोर इसका मतलब sec थीटा इज इक्वल टू तो कितना फाइव एपॉन में फोर जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है तो ये बात भी क्लियर है तो आइडेंटिटी का बड़ा यूज है ये यूज तो आपसे पूछा ही जाएगा तो इसको याद रखना है आपको चलो लास्ट टेन सेवन थीटा इंटू टेन टू थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है वन अब इसको कुछ नहीं करते कि लिखते हैं सेवन थीटा इसको थोड़ा नीचे कर दो वन बाई टेन टू थीटा लिख सकते हैं ऐसा इसके बाद लिखा जा सकता है कि टेन सेवन थीटा इज इक्वल टू कॉट टू थीटा वन बाई टेन का मतलब कॉट अब देखो टेन सेवन थीटा इसको ऐसा लिख सकते हैं टेन नाइन्टी डिग्री माइनस टू थीटा देखो तो हम जानते हैं ना टेन नाइन्टी माइनस थीटा यही तो होता है कॉट थीटा तो टेन से टेन कट गया अब ये माइनस जो है ना इधर आया तो कितना नाइन थीटा इज इक्वल टू नाइनटी देन थीटा इज इक्वल टू टेन डिग्री आपको निकालना है क्या है टेन थ्री थीटा है ना टेन थ्री थीटा तो आप लिखो टेन थीटा का वैल्यू टेन डिग्री थ्री इंटू टेन थर्टी डिग्री और टेन थर्टी कितना होता है वन अपॉन रूट थ्री तो ये कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको लगाना है ये क्वेश्चन लगाने का बस एक ही मोटिव है कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे ठीक है।, है जितना फॉर्मूलास पढ़े इतना इनफ है इतना सफिशेंट है इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ठीक है अब आपको सी एकदम टारगेट करना है या सी डी एस टारगेट करना है तो आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना होगा मतलब सारा फॉर्मूलास करना होगा वहाँ पे ना सम्स एंड प्रोडक्ट्स से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है लास्ट टाइम भी ये पूछा गया था बट बाकी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता नहीं टच किया जाएगा तो आप इजी एकदम कंफर्म रहो इस चीज़ को लेकर के बस वैल्यू पुटिंग से ही आपका काम हो जाएगा मैक्सिमम और दूसरा है कि आपको वैल्यूज पुट करना आना चाहिए कि, कि कौन से क्वेश्चन में क्या वैल्यू पुट करके हम लोग निकालते हैं वो करते करते आइडिया होगा ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा ठीक है तो जितना क्वेश्चन आप करोगे उतना अच्छा आपका आइडिया बनते जाएगा तो अभी हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर एंड करते हैं हमारा पार्ट टू कल हम लोग दूसरे सेशन में देखते हैं और वो पार्ट टू में ना हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ठीक है जो भी पढ़े उसके ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे ताकि ना थोड़ा आइडिया अपना बनता चले जाए ताकि क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आपका बस टास्क ये है कि ये वीडियो अच्छे से देखो यहाँ जो भी डाउट होता है अपना डाउट्स लिखो ठीक है और जो भी प्रॉब्लम है जिसको भी पर्सनली प्रॉब्लम है तो वो बस मेरे को बता देना कि सर ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो इस पॉइंट पर ठीक है और इससे ज्यादा बेसिक नहीं जा सकते ठीक है ना? हम मान के चलते कि क्लास टेन आपने पढ़ाया है। क्लास टेन में ये सारा कुछ पढ़ाया गया है ठीक है अब आप भूल गए हो जस्ट बिकॉज आपको थोड़ा ब्रशअप करना है ठीक है थैंक यू सो मच अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में